हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, दोपहर का टाइम है, आप सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून। और दोपहर में क्योंकि हम वीडियो चैनल पर नहीं डाल पा रहे हैं, और इसके लिए क्या कारण है भी बताती हूँ आप लोगों को। क्योंकि दोस्तों, उधर एक स्टूडियो बन रहा था, उसमें हम लोग व्यस्त थे, और फिर जब उधर से फुर्सत मिला तब मतलब थोड़ा सा होता है ना, घर का भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है अंदरूनी जो भी है, उसके खैर छोड़ रही थी। और ब्लॉग, और प्लीज़ आप लोग, शिवा म्यूजिक चैनल है मेरा, जो कि आप लोग देखिए और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट करिए। क्योंकि दोस्तों संघर्ष, क्योंकि वीडियो बनाना हम छोड़ दिए थे, कभी कभी डाल रहे थे, लेकिन बहुत लोगों को कमेंट आया और बहुत बहन लोग बोली कि वीडियो क्यों नहीं डाल रही। फ़ोन भी बहुत आया था कि वीडियो डालिए, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। तो हम बोले क्या करें, हम मजबूर हैं, नहीं डाल पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, घर में करें कि बाहर करें। एक लेडीज हो के आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, फिर घर में बनाना, खिलाना, मांजना, धोना, एक एक सामान संग्रह करना, इतना मतलब आज रात को मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि 1 बजे से ही मुझे बेचैनी घेर लिया था, मैं नहीं सो पाई थी। तो मैं आज रात से पूरा रात भर जागी हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे पता नहीं पेट में क्या हो गया था, एक बैग पूरे एकदम घबराहट हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं जीऊँगी। लेकिन जीरा भूज के खाई थी तो बहुत आराम मिला, बहुत सुकून मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्योंकि आप लोगों की दया से मैं ठीक हो गई हूँ, दवा भी नहीं खाना पड़ा हमको। और जो भी दवा खाते हैं वो आयुर्वेदिक हम खाते हैं, क्योंकि मतलब बहुत मजबूरी में वो वाला दवा खाना खाती हूँ, नहीं तो नहीं खाती हूँ। और आप लोगों के आशीर्वाद से सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरा नाक में जो प्रॉब्लम था और जिसके लिए मैं बार बार हॉस्पिटल जाती थी, वो नाक का प्रॉब्लम समझ लीजिए कि बिना दवाई का ही ठीक हो गया। और ये मुझे भी पता नहीं था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत 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 आप लोगों को भी आशीर्वाद लगा कि बिना दवाई का ठीक हुआ मेरा नाक का प्रॉब्लम। अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुश हूँ, बहुत इंजॉय हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोगों को भी मतलब इसके बारे में जानना है कि बिना दवाई का भी छोटा मोटा तबीयत ठीक हो सकता है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।